आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। यूपी सरकार की इस योजना के तहत 12वीं से ऊपर यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल और कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही CM योगी लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल ID पर सूचना दी जाएगी। सरकार की ओर से छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए राहत देते हुए कहा गया कि उन्हें कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। छात्रों का डेटा कॉलेज की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों के डेटा फीडिंग हो रहे हैं। सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को वॉच सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।